ब्लॉग टुडे वी हैव हमने आज बहुत अच्छी वाली ब्लॉग बनानी है। आज हमने बहुत इफ्तारी बनानी है जो मम्मा ने बहुत हार्ड वर्क से बनानी है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ जी खैरियत के साथ होंगे, खुशबाज और मजे में। और जी आज जो है, वाकई मायरा सही कह रही है, आज जो है ना वो मैंने परसों बनाया था बारबेक्यू प्लेटर। तो आज जो है मैं बनाने जा रही हूँ स्नैक प्लेटर ना, उसमें तीन चार तरह का जो है ना उसमें मिलेगा आपको स्नैक। मैं बना रही हूँ बन कबाब आज, और मैं बना रही हूँ ब्रेड जो है वो चिकन वेजिटेबल्स बॉल्स बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ आज आलू वाले और जो चिकन और वेजिटेबल्स वाले स्प्रिंग रोल्स। और क्या बना रहे हैं हम? And we're gonna be making those bread tacos. वो tacos type कुछ है। It's like it looks like roti से made है, लेकिन actually वो taco की तरह एक है, बहुत मजे का। वो मायरा को बहुत पसंद है, मैंने एक दफा पहले बनाया था, तो अब मायरा की फरमाइश पे जी वो बन रहा है। तो मैं जो है अब कुकिंग अपनी स्टार्ट करने लगी थी, तो मैंने हाँ जी। तो ये जो आपको स्टफ नज़र आ रहा है ना, तो ये मैंने बनानी थी ब्रेड की बॉल्स, इसमें चिकन वेजिटेबल्स और पोटैटो डाल के, और साथ में श्रेडेड चीज़ था। बहुत इजी रेसिपी है, और ये वैसी रेसिपी है जैसे मैंने चिकन सैंडविचेस बनाए थे ना, वो ही सेम रेसिपी है इसकी भी ना, कि ऑनियंस को बारीक बारीक करके सॉटे किया, फिर उसके बाद इसमें श्रेडेड चिकन डाला, और फिर उसके बाद मैं इसमें सारे मसाले डालूंगी, सॉल्ट डाला है, फिर मैंने इसके अंदर कोरिएंडर पाउडर डाला है, सुर्ख पाउडर मिर्च का डाला है, हल्दी डाली है, फिर इसके अंदर ज़ीरा पाउडर डाला है, और जी फिर मैं इसके अंदर क्रश चिली पेपर डाला है, और साथ में मैंने इसमें पेपरिका पाउडर डाला है, और बस वही सेम रेसिपी है। और साथ में इसके अंदर साथ मैंने 2 टेबलस्पून डाल दिए थे सोया सॉस के, और मेरे पास 1.5 पाउंड जो था वो चिकन था, श्रेडेड चिकन था, और सेम वही जैसे मैंने सैंडविचेस की बनाई थी वही है। और आप मैंने ब्लैक पेपर के इसमें 2 टेबलस्पून डाले थे, उससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है जो ब्लैक काली मिर्च का पाउडर होता है। और अब मैं अंदर जो है इसके अंदर वेजिटेबल्स थी वो सारी डालनी थी, ग्रीन पेपर था, रेड पेपर था बारीक कटा हुआ, और इसके अंदर कैबेज थी बारीक कटी हुई, और साथ में मैंने इसमें जो है 2 टेबलस्पून जो है सोया सॉस के डाल दिए थे, और ग्रीन ऑनियंस भी था बारीक कटा हुआ। तो जितनी भी वेजिटेबल्स डालना चाहे आप डाल सकते हैं, और एंड में बिल्कुल मैंने पोटैटो डाल दिए, चाहे जब मटेरियल बिल्कुल मेरा रेडी होने वाला था तो पोटैटो डाल दिए। आप पे डिपेंड करता है, जितनी मर्जी आप वेजिटेबल्स डालना चाहें डाल सकते हैं। और जिस तरह मैंने बनाए थे सैंडविचेस वही सेम मटेरियल, बस इसमें मैंने जो है ना इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर दूध में मिक्स करके नहीं डाला, बाकी सारा वही तरीका है। मैं डिस्क्रिप्शन में करूँगी, आप उसमें से देख सकते हो। तो ये मैं अंडे को जो है बीट किया था मैंने बीटर से शामी कबाब को तलने के लिए, जो बन कबाब बनाने थे। और जी ये देखें ब्रेड जो है उसको मैंने पहले पानी में भिगोया, फिर उसको जैसे निचोड़ते हैं ना हाथ से, निचोड़ के उसमें मटेरियल डाल के, और इसको मैं ये बॉल्स ही बना रही हूँ इस तरीके से। तो ये इस तरह करके इस तरीके से जो है वो मैंने ब्रेड की बॉल्स बनाई थी। पहले पानी ने थोड़ा उसको वेट किया, फिर पानी को उसमें से निचोड़ा, फिर अच्छी तरह से, और फिर उसके अंदर मैं अब डालूंगी मटेरियल, और मटेरियल को अंदर डाल के उसको जो है वो फोल्ड कर देना है, और हमारी जी बॉल्स बन जाएंगी। कितनी ईजी सी बॉल्स बन गई जी, बस आप शक्लें चेंज करते रहो और जी डिशेस के नाम भी चेंज होते जाएंगे, पर तरीका सेम ही होता है ऑलमोस्ट सारे जो सैंडविचेस वगैरह या ये बॉल्स या सैंडविचेस बने थे। और जी इसको मैंने, मेरे पास ब्रेड क्रम्स थे, और फिर उसको मैंने जो है एग की ज़रूरत नहीं थी, मैंने उसी तरह क्योंकि वो वेट सी हो जाती है ब्रेड, तो उसी तरह ही ब्रेड क्रम्स मैंने डाला तो अच्छी तरह ब्रेड क्रम्स इस पर लग गए थे, और इसको जो है मैं फ्राई कर लूँगी। तो अब मेरे 2 दिन हुए हैं, मेरा जो है वो आ गया है एयर फ्रायर, अब तो बहुत मेरे लिए आसानी है, मैं उसमें ही फ्राई करूँगी इसको। बहरहाल मैंने किया था ऑयल में फ्राई, तो इस तरह ऑयल बहुत ज़्यादा अंदर चला जाता है, तो लेकिन अब मेरे पास एयर फ्रायर आ गया है। तो जी अब ये देखें मैंने लिया था मैदा, और मैदे में पानी डाल के और थोड़ा सॉल्ट और ज़ीरा पाउडर डाल के एक मिक्सचर सा बनाया था मैंने, और इस तरह करके मैं जैसे एक रोटी सी नहीं बनती राउंड सी, उसी तरह मैं उसका बना रही हूँ ऑल पर्पज़ फ्लोर यानी मैदे का। और इसको मैं, इसको भी मैं जैसे वो टाकोस टाइप, मतलब मुझे नाम नहीं पता, लेकिन ये मायरा शौक से खाती होती है तो मैं ये बनाती हूँ। तो इसको इसके अंदर भी वही मटेरियल मैं डाल के और ऑयल वगैरह डाल के थोड़ा क्रिस्पी करके दूंगी, तो बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं ना, तो मायरा तो इसको टाकोस का नाम देती है, पता नहीं ये क्या है बट मायरा शौक से खाती, मैं बनाती हूँ।
तो अब मैंने ये पैन रखा था बड़ा वाला और बिल्कुल लो हीट के ऊपर, और इसके ऊपर जो है मैंने अंदर मटेरियल डाला था। मटेरियल डाल के मैं इसको फोल्ड कर दूंगी। बहुत मटेरियल वही है लेकिन फिर भी ये रोटी जिस तरह मैदे का मैंने ये बनाया है तो वो उससे काफ़ी टेस्ट ऐसा लगेगा चेंज हो गया है। तो बस मैंने इसे फोल्ड किया, थोड़ा सा ऊपर ऑयल लगाऊंगी और थोड़ा इसको जो है मैं क्रिस्पी करूंगी और वो इतना मज़े का बन जाएगा। तो मायरा बड़े शौक से खाती है और वाकई में बहुत अच्छा बनता है। अक्सर बच्चे बहुत तंग करते हैं ना खाने पीने में, तो बस इस तरह चेंज कर करके उनको देते रहो तो बस खाते रहते हैं ना ये। और इनकी वजह से ही मैं वेजिटेबल्स बिल्कुल जो है चॉपर में चॉप करके डालती हूँ कि बच्चों को इतना टेस्ट ही ना आए वेजिटेबल्स का, वरना बहुत तंग करते हैं कि जी ये निकाल दो वो निकाल दो। देखें ये मेरे तैयार हो गए थे। और साथ में अब जी मैं एग, मैंने जो है वो आमलेट किया था क्योंकि बन कबाब बनाने थे और बन कबाब के लिए साथ में जो है वो शामी कबाब फ्राई हो रहे हैं और बहुत बड़े बड़े मैंने इसके लिए शामी कबाब बनाए थे। साथ में जो है जो बर्गर के बन है वो जो है वो मैंने रखे थे ग्रिल के ऊपर के हल्के से वो भी थोड़े क्रिस्पी से हो जाएं। तो हम बड़े बड़े से इसके लिए स्पेशली बनाए थे कबाब ताकि वो मटेरियल ज़्यादा हो, एक तो बंदा फुल भी होता है और ज़्यादा मज़े का लगता है। तो ये ग्रीन चटनी थी जो कि मैंने पुदीना हरी मिर्चें धनिया और गार्लिक डाल के बनाई थी और थोड़ा योगर्ट डाला था इसके अंदर, वो पहले मैंने बन पे लगाई और हम बाज़ार और फिर मैंने ऊपर कबाब रख के केचप डाला। हम बाहर से खाते हैं ना तो बिल्कुल ऐसे ही बने होते हैं। फिर ये इमली की चटनी तो मैंने काफ़ी सारी इसके ऊपर डाली ना, और फिर थोड़ी सी ग्रीन चटनी और डाली और फिर जो है इसके ऊपर मैंने बारीक जो था वो कैबेज था और साथ में बारीक जो है वो रेड ओनियंस थे वो मैंने कटे हुए इसके ऊपर डाले। बिल्कुल वो बाजारी टाइप जो है ना बन कबाब तैयार हो गया। तो हम स्पेशली मैंने आपको दिखाया भी था एक वीडियो में कि हम खाने के लिए गए थे। तो ये साथ में ये ब्रेड बॉल्स जो हैं ये बन रही थी, ब्रेड क्रम्स लगे होते हैं बड़ी आराम से बनती हैं जी। हमारे बन कबाब भी तैयार हो गए थे और जब आप इसको सर्व करें किसी को पेट में डाल के आप इसमें और ग्रीन और मीठी इमली वाली चटनी डाल के दे सकते हैं, क्योंकि हम बाज़ार से खाते हैं उन्होंने इसी तरह इतनी सारी बन कबाब रख के ऊपर चटनियाँ डाली होती हैं बाहर, तो बड़ी वो मज़े का लगता है। और तो जी ये देखें ब्रेड बॉल्स बहुत जल्दी से ये भी बनती हैं, फ्राई हो गई थी ये। देखें बहुत ऑयल आपको लग रहा होगा तो एयर फ्रायर ज़रूर लें, मैंने एयर फ्रायर ले लिया दो दिन पहले मैंने लिया। तो यहाँ पर जी लग रही थी अफ्तारी, बड़े शौक से मैंने नीचे लगाई थी पर मेरा प्लान जो है ना पूरा फ्लॉप हो गया क्योंकि बच्चे और बच्चों के डैडी को बड़ी मुश्किल हो रही थी नीचे बैठने में। फिर मैंने नीचे बैठ के खाया था और मायरा ने बाकी समीर और विक्की उनसे बिल्कुल नीचे नहीं बैठा जा रहा था, पर ये सच है नीचे बैठने के बाद मुझसे भी उठना मुश्किल हो गया था, आदत नहीं रही बिल्कुल भी ना। लेकिन दिल कर रहा था, देख रहे थे लोगों को ना इस तरह करके खोल रहे थे, रह गए हमारे रोजा खुलने में। तो बच्चों को मायरा का भी दूसरा रोजा है, पहले नहीं मायरा के दो रोजे होते हैं ना, ये मायरा सुबह खा के रात दोपहर को खुलता है, फिर दोपहर के बाद मायरा का खुलता है। और समीर के जो है वो फेवरेट रोल, और आज मैंने जो है वो प्लेटर बनाया है तो आज मैंने इसीलिए खाना सालन भी बना हुआ है, अगर खान भूख लगेगी तो खा लेंगे, पर मैंने कहा इतनी मेहनत की है ना तो आज ये बन कबाब और जो है वो चिकन रोल है वेजिटेबल्स। देखिए ये ब्रेड बॉल्स हैं, बहुत मजे की बनती है, चिकन है वेजिटेबल्स हैं और वो भी एक स्नैक है, उसका नाम नहीं मुझे आता पर है वो भी स्नैक। टैकोस टाइप है, शक्ल वैसी लग रही है, मुझे लगता है वो ब्रेड वाले रोल। टाइम हो गया देखो जी। तो ये था बन कबाब और मैंने इसे खूब सारी इमली की चटनी, मीठी चटनी और ग्रीन चटनी के साथ खाया था। और ये जो है ब्रेड बॉल्स हैं,
ये अगर एयर फ्रायर हैं तो एयर फ्रायर में बहुत ज़बरदस्त ये बनती हैं, तो मतलब ऑयल नहीं होता इसमें, आप जितनी भी केयर कर लो वो ब्रेड तो ऑयली हो जाती है ना, लेकिन ये बहुत मज़े की बनती है। और फिर साथ में ये देखें, ये भी बहुत मज़े की बनी थी, ये तो बिल्कुल ऑयली नहीं होता, ये तो बल्कि एक हेल्थी चीज़ है बिल्कुल भी ये इसमें ऑयल ना, क्योंकि मटीरियल में तो मैंने बिल्कुल ऑयल डाला ही नहीं था। और ये जो रोटी सी बनती है उसमें भी कोई ऑयल वगैरह है, फिर हल्का सा ही लगता है ना, तो ये ज़रूर ट्राई करना था। मुझे नहीं पता आप लोगों को क्या फील हो रहा है, बच्चों के डैडी भी बहुत तंग है और उधर से शरीर भी बहुत तंग था। अच्छा चलो डाल के ऊपर ले जाओ, ये एग वाला मैंने आपका, मैंने उसके एग की वगैरह बनाया था, वो वाला मुझे दे दो आप ही करके ना, ये जी विक्की। चलो ऊपर बैठ जाओ, फिर इतनी मुश्किल हो रही है। समीर ने दो रोल, समीर को रोल ही पसंद है, देख लो समीर ये पटेका वो, हाँ ये आलू वाले ने, इसको आलू वाले पसंद नहीं, ये चिकन वाले, ये वो वाले नहीं खाएगा जिसमें वेजिटेबल्स हैं, ये दोनों उसके हैं। इज दिस द वन विदाउट द एग? समीर तो डैडी के पास बैठ जाओ, आप नजर तो आओगे ना। हो गया आज विक्की का, क्योंकि विक्की ने ना आज बन कबाब खाया, और बन कबाब जो है विक्की का जो कबाब है ना वो बहुत कम ऑयल में जो है ना फ्राई किया गया था। ये नहीं मिलेगा, पानी मिलेगा सादा, दो घूंट लेने बस, क्योंकि विक्की की डाइट चल रही है और स्ट्रिक्ट डाइट जो है ना वो मैं चलवा रही हूँ, खुद मैं नहीं खा रही हूँ। ये देखें, देख रहे हो आप कितना मेस पड़ा हुआ है, ओह गॉड, अफ्तारी जो है वो हमने कर ली है और अब ये जो सारा मैंने समेटना है, इतना मेस नहीं होता क्योंकि अफ्तारी के साथ साथ जो है वो मैं समेटती रहती हूँ, लेकिन ये मेस होने की क्या वजह है कि आज हम लोगों का ना डिश वॉशर था वो खराब किया, उसमें ना पानी जो है वो नहीं ड्रेन हो रहा था, मुझे लगता है चीजें फंसी हुई है नीचे, इसलिए। हाँ ये पहले भी एक दफा हुआ था, बस ये मेरी समझ लो कि वो सुस्ती की वजह से, मैंने लास्ट टाइम कहा था कि अब मैं ना जो डिश वॉशर में वो जो नेट सी लगी होती, मैंने कहा था मैं उसको ना बाहर दूसरे तीसरे दिन साफ किया करूंगी ना, तो बस वो रमजान में और ये वीडियोज व्लॉग्स में इतनी बिजी के उससे जो है ना वो फिर दोबारा से वो हो गया। तो इस दफ़ा तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो टाइम लग रहा था, वरना लास्ट टाइम तो विक्की ने वो विनीगर और वो बेकिंग सोडा डाल के किया था, जल्दी हो गया था, लेकिन इस दफ़ा बहुत बस उसी में हम लोगों का टाइम लग गया, क्योंकि वो तारी मैंने जी कब स्टार्ट की है 7 बजे और चीज़ें करने वाली थी इतनी, बनाने वाली थी बस, फिर मुझे नहीं है ये देखो, फिर यही होता गया, मैंने कुछ नहीं समेटा, बल्कि एक की बजाय कुछ 10 चीजें बाहर निकल रही थी, कोई मुझे मिल नहीं रही थी, मैं जल्दी जल्दी एक नहीं 4-4 चीजें बाहर निकाल रही थी और वो सारा जो है वो मैस हुआ पड़ा। जी आज लाइक रियली स्ट्रेसफुल था, बिकॉज आज ना बिल्कुल थोड़ा टाइम था ये रिकॉर्ड करने व्लॉग में, बिकॉज टाइम इतना मिलता नहीं, क्योंकि हमने रिकॉर्डिंग भी करनी थी, क्योंकि ज्यादा मेरे लिए ये मैस वजह ये बन गई कि एक तो रिकॉर्डिंग करनी होती जो भी मैं चीज बनाती हूँ तो वो ऐसा लगता है आपको डबल टाइम लग जाता है कुकिंग करने में ना, तो बस इस वजह से जो है वो इतना कुछ बिखरा हुआ है। और वो अभी मामा को सिर्फ 1 घंटे लगे इस चीजें को बनाते हुए, आई थॉट ये तो 2-3 घंटे लगने थे, 2-3 घंटे स्कूल से आराम से बनाती ना, इतनी जल्दी में ना बनाती, ये डिश वॉशर को कोई रोला ना पड़ता तो जो है ना ये इतना बाद में काम ना बढ़ता, लेकिन मैं शुक्र कर रही हूँ कि डिश वॉशर जो है वो ठीक हो गया, वरना ये इतना सारा बर्तन धोना पड़ता हाथों के साथ, हाथों में जाओ बहुत प्रॉब्लम होती। चलो मेरा अल्लाह मियाँ बेटा और बेटी दोनों दे, दोनों की अपनी अपनी जगह जो है ना वैल्यू है, मायरा जैसे मेरी हेल्प करती है तो मैं कहती हूँ बेटी जरूर होनी चाहिए, अल्लाह की रहमत होती है। चलो अब हमने अपना खाना खाना फिनिश करना है। Then until next time, Allah Hafiz, bye bye. Whoa, Daddy, you forgot to say something really important. Yes. Make sure you subscribe, put the notifications on. Thumbs up. And put the notifications on too. And also comment down below and have a good day. Bye.